हेलो एवरीवन, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है हेमंत बसवाल और आज मैं आपके लिए लाया हूँ विश्व इतिहास की पुस्तक जो लिखी है अरविंद भास्कर ने। अरविंद भास्कर की एक और बुक का मैं पहले रिव्यू कर चुका हूँ, वो क्वेश्चन बैंक था और जिसमें मैंने बताया था कि उसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं, जैसे क्वेश्चन बैंक में रहती है, तो रिवाइज करने के लिए आपके लिए वो ठीक रहती है। एक तरह से बुक काफ़ी हेल्पफुल है, बस वो ये आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है उसमें। लेखक की बात करूं तो इन्होंने राजस्थान की जो NCERT है उसमें भी इन्होंने लेखन का काम किया होगा। आधुनिक भारत में, इनके आधुनिक भारत पे भी पुस्तकें आती हैं, इसमें शायद दिया नहीं हुआ है एडवर्टाइज पीछे। इसके अलावा ये अभी प्रधानाध्यापक हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालासी सीकर में। इसके बाद इन्होंने जो लिखने का इनका जो पर्पज़ है वो यही है कि राजस्थान के जो एग्ज़ाम्स हैं या फिर PCS के जो एग्ज़ाम्स हैं, जहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उन फैक्ट्स को कंपाइल करने के लिए उन्होंने बुक लिखी हुई है। ये बुक स्टार्ट होती है अनुक्रमणिका में, अगर हम देखें तो चीनी सभ्यता से लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध तक। जो मुख्यतः हम कुछ किताबें देखते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो आधुनिक विश्व इतिहास ही हमें दिखाई देता है, तो उसमें ये जो एक कड़ी सी हमें कटती हुई दिखाई देती है, ज़्यादातर हमें इसका पता नहीं होता है। हमें उसके लिए सोशल फॉर्मेशन वाली दूसरी कोई बुक पढ़नी होती है, जैसे कि अमर फारूकी वगैरह की, जहाँ से हम इसको अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा कंप्राइज में इंट्रो टाइप में ये दे देते हैं यहाँ पे, और जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। उसके बाद मेन जो क्वेश्चन आते हैं वो तो पुनर्जागरण के बाद से ही आते हैं, हालांकि ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के उदय से भी क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अब ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर कोई एग्जाम दे रहा है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारे लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं, इसी वजह से मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। UPSC के लिए उस तरह से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये UPSC के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके अलावा जो हम मुख्यतः जो वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं वो अर्जुन देव की या फिर जैनन माथुर की बुक पढ़ते हैं, या फिर कोई पार्थसारथी गुप्ता की एक बुक आती है वो पढ़ते हैं, तो उस तरह की ये बुक नहीं है। ये थोड़ी छोटी है, जैनन माथुर से काफ़ी छोटी है, अर्जुन देव से काफ़ी बड़ी है। अर्जुन देव जो बुक है वो कॉन्सेप्चुअल है, इसमें आपको सिर्फ फैक्ट ही फैक्ट मिलेंगे। अब इसके अंदर आप छोटा सा पैराग्राफ भी अगर देखोगे तो उसमें बहुत सारी डेट और फैक्ट आपको एक जगह बस ऐसे मिलती ही जाएगी। तो उस तरह की बुक अर्जुन देव टाइप की बुक नहीं है, जहाँ पे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ये आपके लिए रिवीजन के लिए बुक है। अगर आपने अर्जुन देव पढ़ी हुई है या फिर कोई और छोटी बुक या फिर कहीं NCERT वगैरह या वर्ल्ड हिस्ट्री कहीं से अच्छे से पढ़ी हुई है आपने, तो उसके बाद आप इसको पढ़िए, तब ये ज़्यादा फ़ायदा आपको कर पाएगी। उससे पहले अगर आप पढ़ेंगे तो ये आप थोड़ा सा उलझ जाएंगे इसमें। दूसरे, इसकी पेपर क्वालिटी की बात करें बताऊँ तो पेपर क्वालिटी ठीक है, और इसके अलावा इसकी बाइंडिंग भी ठीक है। इसमें लास्ट में अगर हम देखेंगे तो इसमें महत्वपूर्ण शब्दावली और साथ में कुछ उपाधियां भी दी हुई है। महत्वपूर्ण शब्दावली हो गया, उपाधियां हो गई, महत्वपूर्ण कथन हो गए, जैसे इन पर भी क्वेश्चन क्योंकि आ जाते हैं, तो उस तरह से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस बुक को कवर करने का प्रयास किया गया है कि व्यक्ति को वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए इधर उधर भागना ना पड़े। इसके अलावा महत्वपूर्ण तिथि क्रम, महत्वपूर्ण तिथि क्रम में यूनान में जैसे प्राचीन काल से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में ये 2015 तक भी यहाँ पर फैक्ट हमें मिल जाते हैं। इसके लास्ट में ये देते हैं महत्वपूर्ण संदर्भ पुस्तकें, तो जहाँ से इन्होंने एक किताब लिखी होगी या फिर जो महत्वपूर्ण किताबें हैं वो सब इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। तो ये आधुनिक यूरोप का दीनानाथ वर्मा की जो बुक है उसका भी यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने वर्णन किया हुआ है अनुज देश पांडे की बुक का, ये DU में प्रोफेसर हैं, इन्होंने अभी अभी कुछ 2-3 साल पहले ये बुक लिखी हुई है उसका। इन्होंने काफ़ी सारी जो बुक हैं, अच्छी किताबें हैं उनका, इन्होंने देवेश विजय वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जो काफ़ी ज़्यादा विश्लेषणात्मक, जो हम अगर देखें कि हमें बहुत ज़्यादा ही उसका डिस्कशन चाहिए, तो देवेश विजय की बुक हम पढ़ा करते थे ग्रेजुएशन टाइम में, तो उस सब का इन्होंने यहाँ पर जिक्र दिया हुआ है। तो उन सब से लेकर आने इन्होंने जो फैक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको बनाया हुआ है। तो ये था आज का रिव्यू, मिलते हैं अगले रिव्यू में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो है वो देखिए। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सके, ताकि आपको नए नए क्वेश्चन आपको मिलते रहे प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू।